सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक साथ 10 ट्रेंड चलना और उन ट्रेंडों का चलना ये बता देता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितनी बुरी हवा बह रही है पूरे देश में। मैं नाम गिनके सुना देता हूँ, हजूर आला गेट वेल सून देवलाना आता है, भगवा ट्विटर आता है, भगवा ट्विटर इस पर ध्यान दीजिए, भगवा ट्विटर हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर। फिर आता है सोनिया कसम, उसके बाद आता है फिल्म सिटी नोएडा में मातम, उसके बाद आता है चाणक्य। अरे यार चाणक्य तो शरद पवार निकले, टकले मतलब सारे चाणक्य निकले, लेकिन एक अपने शरद पवार चाणक्य तो निकले, और वो ऐसे चाणक्य निकले कि इन्होंने ऐसा धोबी पछाड़ मारा अपने भतीजे को, भतीजा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब उसके बाद निकलता है गुड बाय फडणवीस, वाह संविधान बदल दो मोदी जी। पता नहीं इस तरह के कितने चल रहे थे ट्विटर पर हैज ट्रेंड, जिनके बारे में बताना भी मुश्किल था, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इनको देख लीजिए किस तरह के ट्रेंड चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी ट्रेंड, आईडी सेल का एक भी ट्रेंड नहीं था। देश का मूड पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है, तो क्यों ना मान लें मोदी जी कि आप हिंदुस्तान की मांगों को पूरा करने में फुलफिल नहीं रहे। आपने भ्रष्टाचार कराया, आपने रिजर्व बैंक में घोटाला कराया, आपने राफेल डील में घोटाला कराया, आपने पता नहीं कौन कौन से घोटाले ऐसे कराए जिनको अपने मीडिया से छुपाया, आपने राम मंदिर के नाम पर देश को लूटा, आपने पाकिस्तान की नफरत के नाम पर देश को चूतिया बनाया, आपने पता नहीं क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। मन की बात में आपने किसानों को बेवकूफ बनाया, आपने वो सारे काम किए जो बोल के कर सकते थे, जो डायलॉग बोल के कर सकते थे, और डायलॉग बोलने में तो आपकी महारत है मोदी जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि देश में सारे लोगों को गद्दार साबित कर सकते हैं जो आपके हिसाब से बात ना करे, क्योंकि देश वक्त सारे हैं 125 करोड़ लोग जो रह रहे हैं पिछले आजादी के बाद से। कितने साल हो गए मोदी जी, याद हैं या भूल गए? हिसाब लगा लीजिए भैया, कमेंट में डाल के सवाल पूछ लीजिएगा इनसे, कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? इससे पहले किसी भी सरकार ने किसी देशवासी पर, किसी भी व्यक्ति पर, लिखने वाले पर, पत्रकार पर गद्दार होने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन मोदी जी के बीजेपी आईटी सेल ने जरूर गद्दारी का ठप्पा सब पर ठोक दिया, ये दिखाने के लिए कि हम सबसे ज़्यादा देश प्रेमी हैं, हम सबसे ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी हैं। तो भैया ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो देश की देश प्रेम पर एक नागरिक के सवाल उठाएं, तब इन पर सवाल बनते हैं, इन पर एक आरोप बनता है, इन पर एक आपराधिक मुकदमा बनता है जो हर देशवासी को करना चाहिए। जो किसी को गद्दार बोले उस पर आप रिपोर्ट कीजिए, उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए, डरिए मत, खड़े हो जाइए। जो किया मोदी सरकार ने केवल डरा करके, गौरक्षा के मामले में, राफेल के मामले में, सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में, इन्होंने हर उस चीज़ पर सवाल इकट्ठे किए और अपने आप को राष्ट्रवादी बताया। राष्ट्रवादी कहाँ से हो गई है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले अजीत पवार जो 70,000 करोड़ का घोटाला करता है, उसके साथ सरकार बनाने को महाराष्ट्र में फडणवीस तैयार हो जाता है, और उसके बाद भी ये अपने आप को ईमानदार कैसे बोल सकते हैं? जितने भी बेईमान लोग थे कांग्रेस के, जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिढ़ थी, उनको अपने साथ मिला लेते हैं, उनके साथ सरकार बनाते हैं, वो इनके यहाँ जाते हैं, इनकी गंगा नहा लेते हैं, तो वो पवित्र हो जाते हैं। शायद यही गुस्सा सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर चल रहा है। इसकी वानगी या इसके बारे में हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अनुमान लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि ये हेरा फेरी मोदी जी की नहीं, मोदी और शाह की मिलकर के हेरा फेरी है जो देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है अपने मीडिया के साथ मिलकर। जिस तरह से मातम मीडिया में छाया हुआ है, उसकी शायद जवाब सरकार के पास भी नहीं है, नितिन गडकरी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।